अरे क्या बात है, तेरा नेकलेस तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ यार सच में दिखा, लगता है इसके बॉयफ्रेंड ने दिया होगा। हाँ आखिर लड़कियाँ तो यही चाहती है ना। ऐसा बॉयफ्रेंड किसे नहीं चाहिए होगा जो आए दिन अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसा गिफ्ट देता हो। ये बात तो सही है। उस दिन भी तुझे कुछ गिफ्ट मिला था, जरा हमें भी बता तुझे क्या गिफ्ट मिला। अरे यार क्या बताऊँ, वो ऐसा कि मैं इससे कई बार मना करती हूँ पर वो कुछ न कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट लाता ही है। पर वो यार मुझसे प्यार भी तो बहुत करता है। करेगा क्यों नहीं, तू है ही इतनी खूबसूरत। अरे कुछ भी। वो आ गया तेरा बॉयफ्रेंड? अरे यार कुछ लेके आ रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यार तुमसे मिलने आया हूँ, कब से फोन कर रहा हूँ तुम फोन उठा ही नहीं रही हो। मुझे लगा शायद तुम यहाँ होगी इसलिए यहाँ चला आया। अच्छा ठीक है, ये क्या है? ये गिफ्ट है। क्या है इसमें? तुम खुद ही देख लो, माँ ने भेजा है। ये तो चूड़ी है। हाँ माँ ने भेजवाया तुम्हारे लिए। माँ ने भेजा है? यार चूड़ी कौन देता है? अरे तो चूड़ी में क्या खराबी है? मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, बीवी नहीं। एक काम करो, ये गिफ्ट लो और निकलो यहाँ से, और अपनी माँ को बोलना ये गिफ्ट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। यार माँ ने कितने प्यार से भेजाया तुम्हारे लिए। और तुम ना ये माँ माँ की रट लगाना बंद करो, बच्चे नहीं हो तुम, छोड़ो अपनी माँ का पल्लू। आज तुम डिसाइड कर लो, या तो मैं या तो फिर माँ। देखो उधर मेरे सारे फ्रेंड्स बैठे हैं और वो यही सोच रहे कि तुम मेरे लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट लाए होगे, पर ये बहुत ही चीप है। अरे तुम सुनो तो सही मेरी बात। तुम निकलो अब, जब अपनी माँ और मेरे बीच डिसाइड कर लोगे तब आना। यार मैं मर जाऊंगा यार तुम्हारे बिना। तो मर जाना, अगर तुम मुझे नहीं चुनता तो जी या मर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज क्या लाया था? अरे था कुछ एक्सपेंसिव। फिर क्या, मैंने नहीं लिया, बहुत एक्सपेंसिव था। नवीन क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बाबू? नवीन क्या हुआ बाबू, बता ना कुछ। कुछ नहीं माँ, सब खत्म हो गया। उससे झगड़ा हुआ? मेरी वजह से? अच्छा सुन, तू मुझे कहीं ले जाके छोड़ दे और तुम दोनों शादी कर लेना।
और खुश रहना। मैं जहां भी रहूंगी वहां से दुआ करूंगी कि तुम लोग खुश रहो। तू जानती है तू क्या बोल रही है? हाँ मैं जानती हूँ और ये भी जानती हूँ तू खुश यानी मैं भी खुश। अब मेरी उम्र हो चुकी है, दिन ही कितनी बाकी है, अभी तुम्हारे सामने तो पूरी जिंदगी बाकी है बेटा। तू पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोलती है, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। अंकल, हेलो अंकल, सीट्स अवेलेबल है? वो एक्चुअली सीट्स करवा दीजिए ना, हमको चाहिए था। ओके, चार लोगों के लिए सीट्स करवाना है अंकल, थोड़ा जल्दी कर दीजिएगा। अरे वो देख, तेरा मजनू बॉयफ्रेंड कैसे आइसक्रीम खा रहा है। ये तो यहाँ कितने मजे से आइसक्रीम खा रहा है। पर उसने तो कहा था कि वो तेरे बिना मर जाएगा। अब क्या हुआ? कोई तो कह रहा था मेरे बिना एक दिन नहीं जी पाएगा, और यहाँ जनाब को देखो मजे कर रहे हैं। मुझे तो 150 का गिफ्ट देते थे, और आज तुम्हारे पास आइसक्रीम खाने के पैसे कहाँ से आए? गाइस गाइस गाइस, मैं हमेशा झूठ कहती थी कि ये मुझे महंगे गिफ्ट देता है, ये करता है वो करता है, पर इसकी औकात नहीं है
कि ये मुझे संभाल सके, क्योंकि इसे तो इसकी माँ संभालती है। माँ का पल्लू। वाह वाह, ये देखो प्यार जो सिर्फ गिफ्ट का मोहताज है, वो प्यार जो अमीरी गरीबी देखता है, वो प्यार जो प्यार ही नहीं है, सिर्फ एक दिखावा है। हाँ जी नहीं पाता था तुम्हारे बिना, लेकिन जी रहा हूं अपनी माँ की खुशी के लिए, और मैं खुश हूं क्योंकि मैंने अपनी माँ को चुना, वो माँ जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार थी। और तुम क्या मुझे छोड़ोगी? आज सबके सामने कहता हूं कि ये मेरे लिए कोई मैटर नहीं करती। जा किसी और के सामने अपने प्यार का दिखावा करना। नवीन 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 नवीन, उठ जाओ नवीन, हमें लेट हो रहा है। नवीन अरे चलो नवीन। यार तुम रोज लेट करते हो। नवीन अब उठ भी जाओ, आज भी मैं सुबह से आ चुकी हूँ, जल्दी नीचे आओ। माँ आई लव यू। आई लव यू बाबू, अब मेरे को काम करना है, ठीक है? जल्दी करो, हमें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, रोज रोज मुझे अपने घर से आके तुम्हें तैयार करना पड़ता है। अरे आंटी आ जाएगी। चुप। क्या हुआ? यार एक ड्रीम देखा। अच्छा क्या देखा? मैं दो लोगों में से एक को चूज कर रहा था। अच्छा किन दो लोगों में से? माँ और तुम्हारे बीच। तो फिर तुमने किसे चुना? बताओ। अच्छा किया जो तुमने अपनी माँ को ही चुना। ड्रीम का तो पता नहीं, अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती तो अपनी माँ तुम्हारे बीच अपनी माँ को ही चुनती। नमस्कार, मेरा नाम देवेश वर्मा है। नमस्ते, मैं आरती गौतम। नमस्कार, मैं कनुप्रिया सुब्बा। आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने हमारा वीडियो अंतिम तक देखा, और ये इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि अपने माता पिता को कभी कष्ट ना दे, अपने परिवार में अच्छे से माहौल बनाए और कभी माता पिता को परेशान ना करें। और हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद धन्यवाद।